स्थानीय किंग ग्रोवर्स इंटर कॉलेज में चौरी चौरा शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हिंदी प्रोत्साहन समिति के तत्वावधान में एक शाम शहीदों के नाम कवि सम्मेलन कवि रामचंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में हुई। मुख्य अतिथि बीडीओ अमित सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। काव्य पाठ का शुभारंभ शिव किशोर तिवारी खंजन की सरस्वती वंदना से हुआ। उस कवि श्याम पंकज ने कहा, हरा सफेद संतरी सपूत मां सजा गई, तिरंग और रूप देख दुल्हने लजा गई। उसके सशक्त हस्ताक्षर योगेश चौहान ने कहा, सीमा पार गिरा बूंद रक्त का हमारा यदि सर्वनाश करने वाला गोला बन जाएगा। संचालन कर रहे हास्य कवि विकास बौखल ने कोरोना काल की चर्चा करते हुए कहा, कुछ लोग यूं बंदी का समय काट रहे हैं, हर बात ये बच्चों को घर में डॉट रहे हैं, कुछ प्रेमिका की याद में ऐसे हुए गुमशुम, सिर दर्द में गठिया की दवा चाट रहे हैं। कवि सुनीत बाजपाई ने कहा, नाशाद वतन फिर से अपना यूं शाद नहीं हो सकता था, शेखर के बिना कभी भारत आजाद नहीं हो सकता था। कवि सम्मेलन में आई श्रृंगार की कवयित्री शशि श्रेया ने कहा, सर्दियों में तुम्हारी याद है, कंबल जैसी जुदा करूं तो मेरी जान निकल जाती है। कार्यक्रम संयोजक व्यंगकर श्रीकांत सिंह, विशेष शर्मा, अरविंद कुमार, आशीष मिश्रा, विकास मिश्र, हरेंद्र वर्मा आदि ने उस व्यंग हास्य श्रृंगार सुनाकर श्रोताओं का मंत्रमुग्ध किया। शिक्षक राकेश गुप्ता और स्वतंत्र गुप्ता ने कवियों और आगंतुक अतिथियों को शाल उड़ाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे।